रहली से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल की गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 घायल, पुलिस बल तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ा कोटा के गुंजौरा तिराहे पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उनके समर्थकों का शनिवार शाम स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हमले में 3 लोगों को चोटें आई हैं, इनमें से 1 घायल को सागर रेफर कर दिया गया है। विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मौके पर कलेक्टर दीपक आर्य व SP अभिषेक तिवारी भी पहुंच गए। एहतियात के तौर पर वहां 100 से अधिक पुलिस के बल को तैनात किया गया है। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उपद्रवी तत्व हाथों में डंडे लेकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल शनिवार शाम करीब 5:30 बजे रहली से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पिछले दिनों ही भाजपा से कांग्रेस में आए। मिंटू चौरा व अन्य समर्थकों के साथ गुंजौरा चौराहे पर अपने समर्थक के घर गई थी। उनके साथ करीब 4 गाड़ियों में अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसी दौरान वहां पर मोहल्ले वालों से किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद घर के बाहर खड़े 4 पहिया वाहन में स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए कुछ कांग्रेसियों को भी पीटा गया। काफी देर तक हमलावर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ करते रहे। ज्योति पटेल ने गाड़ियों में हो रही तोड़फोड़ का वीडियो भी अपने मोबाइल में बना लिया। उन्होंने इस हमले के पीछे भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव, उनके भाई श्रीराम भार्गव और बेटे अभिषेक भार्गव का हाथ बताया। सूचना पर मौके पर गढ़ा कोटा पुलिस भी पहुंच गई, जिसने हमलावरों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद जिला मुख्यालय सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त बल को भी मौके पर बुला लिया गया। शाम को कलेक्टर दीपक आर्य व पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक हमले में करीब 3 लोगों को चोटें आई हैं, 1 घायल को सागर रेफर कर दिया गया है। देर रात तक इस घटना के मामले में FIR लिखने की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा, SDOP रहली, SDM सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो में दिख रहे हमलावरों की पहचान पुलिस करती रही। इस पूरे मामले को शुक्रवार हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संबंध में मंत्री व प्रत्याशी गोपाल भार्गव का कहना है कि मुझे जानकारी मिली है कि गढ़ा कोटा में 2 पक्षों में किसी पुराने विषय पर विवाद हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसे राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी विवाद व घटना हुई है, उस पर पुलिस एवं प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से नगर में उच्च तकनीकी के CCTV कैमरे प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। ये घटना उसमें रिकॉर्ड हुई होगी। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।